तो भाई हम लोग आ चुके हैं आप लोगों को टूर देने के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ सनोवर छोटी की पिक्चर लगाई है। सबसे मेन चीज यहाँ आके तैयार होती है सनोवर छोटी। सो गाइस हमारा जो पहला पॉलर था उसके अंदर सिर्फ 2 रूम थे, बट इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 रूम है। अलग से किचन है, अलग से 2 वॉशरूम है और अलग से ही सब कुछ हमारा परफेक्ट है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें इतनी कामयाबी दी कि हम यहाँ तक है। और आप लोगों की सबसे बड़ी दुआएं हैं हमारे साथ कि हम लोग यहाँ पर हैं। थैंक फॉर ऑल जिसने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की। नंबर 1 पे हमारी आती है जी सनोवर छोटी, जिन्होंने हमारे को इतनी सारी दुआएं दी, इतनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से आज हम यहाँ बैठे हैं। हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। दिस इज मी कराची की लड़की। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं देने वाली हूँ अपने पार्लर का टूर, हमारे पार्लर का टूर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं आप लोगों को टूर देने के लिए। सो फर्स्ट पर हमने बनवाया ये बैनर, आप लोग बैनर चेक कर सकते हैं हमने किस किस की पिक्चर लगाई है। सबसे पहले हमने यहाँ सनोवर छोटी की पिक्चर लगाई है जो की हमारे यू नो शोज होते रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है पिक्चर बैनर में अटैच की है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो जो हमारे पार्लर में है ना अवेलेबल, जो तक जो जो काम होता है वो सब हमने रखवाया है। हाइड्रो फेशियल है, माइक्रो नीडिंग है, आईलेश है और एक्सटेंशन है, प्री फेयर एंड फेस स्मॉल रिनो, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो कि हमारा बैनर तो थोड़ा सा, चलिए आप अंदर चलते हैं, आपको हम अंदर से दिखाएंगे। चलिए सो फर्स्ट पर हमने लगवाया है वेलकम टू मद्दशा ब्यूटी सैलून का बैनर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त लुक के साथ। देन इंटर होने के बाद यहाँ आ जाता है हमारा रिसेप्शनिस्ट एरिया, जहाँ की हमारी जो रिसेप्शन है वो लिख रही होती है सब कुछ, क्या बुकिंग्स हैं सब कुछ लिख रही होती है, टाइप कर रही होती है। चलिए आइए हम लोग अंदर चलते हैं। उसके बाद ये आ जाता है ये वेटिंग एरिया, जहाँ पर हमारे कस्टमर्स आके वेट करते हैं, तब तक आपकी बुकिंग करती है जब तक वो आके यहाँ वेट करते हैं, हमारे रिसेप्शन पे जो है ना सब लिखवाते हैं। ठीक है जी, अब आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फर्स्ट रूम हमारा। पहले तो आप लोग फर्स्ट चीज देखते रहो ये कितना जबरदस्त हम लोगों ने ये किया है, डिजाइन किया बहुत जबरदस्त, जिसने भी किया उसको क्रेडिट मिलता है भाई, बहुत ये आला है भाई, सबसे जबरदस्त। अब आपको मेन रूम दिखाते हैं। सो गाइज हमारा जो मेन रूम है ना वो आपको दिखाती हूँ, ये हमारा ब्राइडल रूम जहाँ पर मेकअप होते हैं। सो गाइज ये है हमारा मेन रूम जिसे कहते हैं हम लोग ब्राइड रूम, जहाँ पर हमारी मॉडल्स, ब्राइड्स और बहुत सारी जो लेडीज है वो यहाँ आके होती है तैयार। सबसे मेन चीज यहाँ आके तैयार होती है सनोवर छोटी। सो भाई ये हो गया हमारा ब्राइड रूम और यहाँ पर हमने बहुत ही प्यारा सा मिरर लगाया हुआ है, अभी यहाँ पर भी सेट होगा, वहां भी सेट होगा। ये आ गई हमारी मेन चीज जिससे हम लोग वीडियोज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। और आप लोगों को एक बात बता रही चलो, हम लोगों का जो कनेक्शन है ना वो है जी बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त लोगों के साथ। सो सबसे पहले जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट है वो है राहला आबिद जी। ठीक है जी, सो सेकंड हमारे पास ये आ जाती है एक कवर्ड बहुत ही जबरदस्त, जहाँ के हमारी आप ही की पिक्चर्स हम लोगों ने अटैच करवाई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना आप लोगों को हम दिखाते चले। सो गाइस इसमें जो है ना हमारी मेन मेन चीजें होती है ब्राइड्स पर जो हम यूज करते हैं वो सब इसके अंदर, इस अलमारी के अंदर हमने रखा हुआ है, सॉरी कवर के अंदर। ठीक है जी, और ये बहुत ही प्यारी सी हमारी जो है ना खिड़की है, विंडो है, जहाँ हम लोग खड़े होकर नजारे शुजारे करते हैं, बहुत जबरदस्त। ठीक है जी, सो गाइस ये है जी ऑनर की टेबल जो कि हमारी राहला आबिद मेकअप आर्टिस्ट, ये रिज्यूम की प्यारी सी पिक्चर जो कि हमने उनकी टेबल पर रखवाई है और ये जगह सिर्फ उनके लिए मुख्तित है। ठीक है जी, चलो वॉशरूम नहीं दिखा सकते, इसके बाद हमारा वॉशरूम है इसके बाद हमारा वॉशरूम है लेकिन हम आपको नहीं दिखा सकते। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना जब ब्राइड्स वगैरह रेडी हो जाती है तो वो यहाँ आराम से बैठ के देखती है। ठीक है, अच्छा भाई लाइट्स ऑन करो इसकी, जल्दी से लाइट्स ऑन करो। मुझे सबसे प्यारा इस रूम में जो लगता है ना वो है जी ये मंतशा ब्यूटी सैलून, मुझे सबसे ज्यादा इसके अंदर यही पसंद है। आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है, ओह माय गॉड वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। लाइट ऑन करो। इसके बाद ये आ जाता है प्यारा सा एसी, बिल बहुत आ रहा है, हम लोग जला नहीं सकते इसे अभी क्योंकि सर्दियां में इसे हम ऑन नहीं कर रहे। ठीक है जी, देन सो ये है जी राहला आबिद मेकअप आर्टिस्ट के बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक साइड यहाँ पर है और एक साइड यहाँ पर है। और देन मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ जो है ना यहाँ बैठ के जो है हमारी मॉडल्स, ब्राइड जो है ना वो शूट करवाती है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, कोई यू पिक्चर्स देता है कोई यू पिक्चर्स देता है। चलो फर्स्ट रूम का हमारा टूर हो चुका है, अब हमको सेकेंड रूम दिखाने वाले हैं। चलिए जी, अब हम आपको दिखाने वाले हैं अपने सेकेंड रूम का टूर, इसे कर देते हैं लॉक। सो गाइज मैं आप लोगों को सेकंड रूम से जो है ना मिलवाने वाली हूँ। ये जी हमारा सेकंड रूम, पहले तो ये पढ़ो जिसने मेहनत की है बहुत अच्छी की है, हिस्ट्री ऑलवेज रिमेम्बर डोज हु वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। तो ये हमारा सेकंड रूम है और ये जो है ना मैं आपको बताती चलूँ ये है फेशियल रूम। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज है। ठीक है, ये जो है ना हमारी रिटेल चीज, हम लोग जो है ना पॉलर में यू नो के हम लोग यहाँ आके सामान सेल करते हैं, बहुत सारा मजेदार।
और ये जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल आप लोगों को सामान मिल रहा है, जो कि राहिला आबिद आपको सेल करती हैं और उनकी जो है असिस्टेंट सेल करती हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पॉलर के अंदर अवेलेबल मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट जो है ना मेकअप में यूज होते हैं वो सब इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे और सेल भी किए जाते हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट लगाने का तरीका से लेकर आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है ये सब आप ही आपको बताएगी। टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही कम प्राइस में लो कॉस्ट है और बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा है, ठीक है। ये तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस रूम में जो सामान है रिटेल का उसके अंदर क्या क्या है। वैक्स मिल जाएगी, वैक्स पाउडर मिल जाएगा, वैक्स जेल मिल जाएगी, फाउंडेशन, सीरम, क्रीम ब्लीच और ये बहुत सारे स्किन पॉलिश हैं और ये आपको फेशियल का सामान मिल रहा है, बहुत सारी क्लींजिंग आप लोगों को मिल रही है। और बताती चलूं ये सब एकदम ब्रांड के महंगी तो हर चीज होती है आप लोगों को पता है, लेकिन फेस पर जो चीज सूट कर जाए ना वो महंगी और सस्ती नहीं देखी जाती। अच्छा ये आ जाता है बहुत ही प्यारा सा शीशा जहाँ के हम लोग करते हैं फोटो शूट, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग खड़ी होकर पिक्चर्स लेते हैं और अगर क्लींजिंग वगैरह होती है तो ब्राइट की जो ये जो चेयर है वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। ये चेयर्स हैं आप लोगों को पता है, यहाँ अगर हमारी कोई ब्राइट वगैरह रेडी होने आती है तो ये जो चेयर्स हैं वो एक एक शीशे के सामने रख दी जाती हैं और उनको फिर मसाजिंग की जाती है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं यहाँ। सो गाइस ये आ जाता है मैनीपैडी सेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कपड़ा डाला भाई अभी आप लोगों को पता है कि सर्दियां तो भाई डस्ट तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने इस पे जो है ना कपड़ा वगैरह रख करा हुआ है। अच्छा जी आ जाते हैं यहाँ पर, ये है बहुत प्यारा सा सेशन जहाँ के आप लोगों को मिल जाता है हेयर स्प्रे, देन आप लोगों को हेयर की बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं और यहाँ पर बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ है फ्लावर्स के साथ और ये आप लोगों को मिल जाता है बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स वगैरह, ठीक है। ये एक बॉल हो गई हमारी। सो गाइस ये आ जाती है स्किन पॉलिश जो कि फेशियल वगैरह किया जाता है ब्राइड्स पर और मॉडल्स पर, ठीक है। और यहाँ आ जाती है कुछ सामान जो कि हेयर स्किन पर यूज किया जाता है, ठीक है, स्किन केयर और हेयर केयर के लिए। और यहाँ आ जाता है हमारी मेकअप आर्टिस्ट राहिला आबिद के सर्टिफिकेट, चेक कर सकते हो ये सारे। ये तो अभी कम है, अभी हम एक वॉल डेकोरेट करेंगे जहां आप ही के सारे सर्टिफिकेट्स लगाने वाले, ठीक है। अब मैं आपको देती हूँ थर्ड रूम का टूर, अभी तीसरा बाकी है मेरे दोस्त। चलो फिर तो गाइज ये हो चुका है सेकंड रूम का हमारा टूर, सेकंड रूम का टूर हो चुका है डन। अब जाते हैं हम लोग ये थर्ड रूम में। फर्स्ट पे आप लोग ये पढ़ लो, द पाथ टू सक्सेस इज नेवर इजी बट इफ यू पुट योर हार्ट इनटू इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। चलो जी थर्ड रूम का हम लोग कर लेते हैं टूर। यहाँ आप लोग को मिलेंगी मेकअप आर्टिस्ट राहिला हाफिज जी, हमारी ऑनर, हमारी प्यारी, सबकी दुलारी, ये है हमारी ऑनर। देन ये वाला जो रूम है ये हाइड्रा फेशियल का, ठीक है, और यहाँ आप इन्हें बड़ी जबरदस्त जेनवर टेक्नोलॉजी की मंगवाई है मशीन जो कि मसाज किसके लिए काम आती है, हाँ ये लेजर मशीन है, यहाँ हाइड्रो फेशियल का काम होता है तो ये सब जो है ना यहाँ पर काम करने वाले हम लोग इस पर लेजर मशीन पे। अच्छा जी ये हमारी है जी स्टाफ मेंबर्स, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैनेजर जी, ये हमारी मैनेजर है और ये स्टाफ मेंबर है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ आ जाता है जी बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ है हमने और यहाँ जो है ना सारे हमारे आ जाती है ट्रॉफीज वगैरह, ओके। देन यहाँ पर ही बहुत प्यारा शीशा डेकोरेट किया हुआ, मिरर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ, तीनों जो है ना एक प्यारे से लाइट ऑन करो। उसके बाद जी मैं आप लोगों को इस रूम के बारे में कुछ बताती चलूं। अच्छा जी ये रूम हैंडल करती हैं बाय द वे ऑनर करती हैं, बट हम लोगों ने जो है ना इसमें जो है ना डॉक्टर शकीला बानो को अपॉइंट किया हुआ है, वो आके लोगों का जो है ना हाइड्रो फेशियल करती है, लेजर करती है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात से रब्ता करती चलूं कि भाई जो पूरा पॉलर है वो तो ऑब्वियसली ऑनर का, हमारी ऑनर जो आपको पता है राहिला आबिद जी है, और इसके अलावा ये पार्टनरशिप पे जो है ना डॉक्टर शकीला बानो आई है जो कि अपॉइंट करती है लोगों को, जहां पर आप लोगों को मिल जाता है हाइड्रो फेशियल, लेजर वगैरह सब कुछ जो कि आप लोगों को फरंगी वाला आप लोगों के फेस को चिट्टा करने वाली है। तो आओ पॉइंट लो और बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल रही है, तो बुकिंग करो अपने जल्दी जल्दी से। भाई हम लोगों ने मशीन मंगवाई जर्मन टेक्नोलॉजी की जिसके अंदर आप लोगों के फेस को जो ना ऐसा बनाने वाली, ऐसा बनाने वाली है, मत पूछो कैसा बनाने वाली है। सो इसके अंदर आप लोगों को लेजर मिल जाता है, वैक्स वगैरह जो भी होता है वो सब इसके अंदर आ जाता है और फेस को ब्राइट कर देगा, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। सो गाइस हम लोगों ने मिरर थोड़े से ना डेकोरेट किया है क्योंकि अच्छा लगना चाहिए, जब लोग आए, ब्राइड्स आए और मॉडल्स आए तो उन्हें अच्छी सी फील आनी चाहिए, और जब हमारी पार्टनरशिप जो मेंबर्स हैं वो आए शकीला बानो तो वो हैप्पी हो जाए, वाह क्या डेकोरेट किया भाई तुमने। सो गाइस ये हम लोगों ने जो है ना डेकोरेट बहुत ज्यादा प्यारा किया हुआ है, आप लोग मिरर्स चेक कर सकते हो। ये हमारी राहिला आबिद ऑर्डर का कमरा। अच्छा जी ये वॉशरूम हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वॉशरूम है, चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखो लाइट्स ऑफ बस करो भाई बस कर। तो ये हमारा वॉशरूम सेशन था। अच्छा यहाँ आ जाते हैं आप ही के, हमारी ऑनर के जो है ना सारे अवार्ड्स, मतलब जहां जहां उन्होंने जीते हैं, मैंने कुछ वीडियोस में आप लोगों को दिखाए भी हैं कि कौन कौन से अवार्ड जो है कहाँ लगे हुए। तो ये सारे अवार्ड जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2023 के, एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी मेहनत की और इससे ज्यादा, लेकिन अभी हमने डेकोरेट नहीं किया। तो आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किचन, और हाँ पानी पिलाओ। सो गाइस बोलते 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 हमारा गला सा सूख रहा, तो हम पीना है पानी, और पीने के लिए हमने लगाया है यहाँ पर फिल्टर,
जहाँ के आप लोगों को मिला है हॉट कोल्ड और नॉर्मल वाटर। तो मैं पीने वाली हूँ जी नॉर्मल वाटर, ठीक है, इसे यूज कर, सॉरी गलत प्यास ले गया। तो यहाँ मैं पीने वाली हूँ नॉर्मल वाटर थोड़ा सा, और हम पियेंगे बैठ कर इस सुन्नत। ओके सो गाइज, आप लोगों ने हमारा पहला पॉलर देखा होगा, मैंने थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया था कि जो है हमारे पॉलर में जो है ना दो रूम थे, एक छोटा मोटा किचन था और उसके अलावा लाइटनिंग भी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स फॉर ऑल जिसने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की। नंबर वन पे हमारी आती है जी सनोबर छोटी, जिन्होंने हमारे को इतनी सारी दुआएं दी, इतनी सारी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से आज हम यहाँ बैठे हैं। और थैंक्स टू शकीला बानो जी, जिन्होंने हमारी आप की इतनी ज्यादा हेल्प की, उनके लिए फरिश्ता बनकर आई है वो, और आप उनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि आपने इतनी ज्यादा सपोर्ट किया आपकी को और इतना ज्यादा प्यार किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल, यहाँ के स्टाफ, यहाँ की मैनेजर, यहाँ की सबसे ज्यादा थैंक यू हम करना चाहेंगे राहिला आबिद जी को, जो कि हमारी पॉलर की ऑनर है, राहिला आबिद जी जिन्होंने हमें मौका दिया इस पॉलर में आने का। अच्छा जी, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी राहिला आबिद जी ऑनर का, जो कि यहाँ की ऑनर है, ऑफिशियली ऑनर है। तो भाई मैं उनका थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया मैं यहाँ आऊँ और यहाँ की वीडियो बनाऊ, यहाँ का शूट करूँ। और थैंक्स फॉर ऑल जिन्होंने हमारा इतना ज्यादा सपोर्ट किया। नंबर वन पे सनोवर छोटी, शकीला बानो जी, एंड देन यहाँ के स्टाफ मेंबर, यहाँ के मेंबर जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मेंबर, इसको बुलाया नहीं जाता, ये यहाँ के मेंबर है, मैं यहाँ का मेंबर हूँ। सो गाइस, आप लोगों को मैं बताती चलूँ, हम लोगों ने सबका शुक्रिया कर दिया, यहाँ के मैनेजर, यहाँ के इंचार्ज और यहाँ के स्टाफ मेंबर। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो बेटी है ना दो बहुत जबरदस्त है, एक तो सैमून, नंबर टू पे हमारी ये मलाइका आबिद जी, बहुत जबरदस्त है। सो गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो कैमरा मैन है वो है मलाइका आबिद जी, जो कि यहाँ की ऑनर की बेटी है, तो वो सेकंड नंबर पर है। लेकिन काम ऐसा है उनका, बस ना पूछो, मैं आपको दिखाऊंगी उनकी हरकतें। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करो लाइक, कमेंट्स और शेयर, सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना, वरना मैं घर आ जाऊंगी सबके। मुझे आना पड़ा क्योंकि हम भी मिंतशा ब्यूटी सलोन का व्लॉग बनाते हैं जी, जी। और उसको भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी इंशाल्लाह। और आप हमारी वीडियो भी देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। रुको जरा, सबर करो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।